मुसाफिर बैठा जी, जी 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 सर मैं आपकी एक व्यंग भरी कविता सुनाता हूँ। जी, ये कब लिखी थी आपने सर? ये इसकी रचना 1964 में हुई थी, जी जब मैं सर्विस में प्रवेश किया था। अरे वाह, मतलब वो जो है दफ्तर वगैरह की जो संस्कृति है उस पर हाँ एकदम व्यंग्य है, मुंसिफ चार पर, चार मुंसिफ दस पर। 1964 का था, जी तो मुंसिफ और जुडिशियरी और सब सिविल दो जी दो था, एक जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक मुंसिफ जी जुडिशियरी, उसी मुंसिफ पर हमने ये व्यंग लिखा जी था। जी हम सुनाए। मुंसिफ हो गए ने कॉग्निजेंस एसडीओ, मुहर्रम मनाएंगे अब सिविल एसडीओ, जी जी अच्छा जुडिशियरी अलग हुई जी शान उनसे बिलग हुई, दरअसल हम मुंसिफ शान वाले एसडीओ। जी मैं न करूंगा पार यह गढ़ा पानी का, भले लौट जाऊं न होगा बेपानी का, जी खेत गढ़ा पार करता डिप्टी सब डिप्टी चलता, मैं जो चलूं तो फिर मुंसिफ किस मानी का। मुंसिफ है पेशा से भाई बुलाकी, कहते हैं मुंसिफी सेवा है तर्क की, कोई कोर्ट जाते सच धर कर टाई दुपुची बनहर, बस के समय लिया करते पर झपकी। भाई बुलाकी के कोर्ट में एक बार उनके पिताजी की मृत्यु का मिला था, रो पड़े तार दे चिंता की जगीरे, चिंतित हो तार देखने लगे पेशकार, अचरज चकित हुए तार देख पेशकार, कहा हुजूर है किसने यह भेजा तार, आज ही सवेरे तो आपके डेरे को गया देखा उन्हें पढ़ते हुए अखबार। सुनकर ये बात बुलाकी झुंझलाए, कहते हुए सिर को जोर से हिलाए, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर एविडेंस को करें क्या बताइए। एविडेंस जो उनके यहाँ आता है तो उस पर ज्यादा निर्भर करते हैं वो लोग, और बाकी जानकारी भी है तो उसको अप्लाई नहीं करते हैं। इसी पर इस ये व्यंग जी लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।